अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज राइजिंग पल्स एकेडमी के ज़ेर तमाम पोस्ट मेकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 1 है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने ऐप इंस्टॉल करनी है उसका नाम है इमेजिटर, जिसकी आइकन आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। इमेजिटर जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ये प्ले स्टोर से भी ईजिली मिल जाता है। इसे ओपन करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑप्शन हो रहे हैं, जैसे कि ओपन कैमरा सेटिंग, न्यू लोगो डिज़ाइन, न्यू पेज, इस तरह की चीज़ें। और अगर हम बॉटम में आए तो बॉटम में हमारे पास होम है, गैलरी है, टेम्पलेट्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने गैलरी में हमारे पास सबसे पहले क्या है, कुछ पिक्चर्स हैं। हम इन्हें यहाँ से कोई भी पिक्चर एक पिक कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से नहीं करनी, हम अपने आल मीडिया में जाएंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में से पिक लेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे, देन वहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या आते हैं पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं पेज का, लेयर का, एड का और सेव का। सबसे पहले हम पेज के ऑप्शन पे जाएंगे। पेज के ऑप्शन में सबसे पहले हम साइज़ के ऑप्शन को देखेंगे। मैंने ये एंड से स्टार्ट किए हैं ऑप्शन, आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड से इसलिए किए हैं ताकि आपको एक ही पिक पे सारे वर्क सिखाए जा सकें, कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम आते हैं साइज़ पे। साइज़ पे हमारे पास सबसे पहले 2-3 चीज़ें शो होती हैं, जिसमें से चूज़ साइज़ फ्रॉम लिस्ट। इसमें हमारे पास लिस्ट दी गई होती है, हमने वहाँ से साइज़ चूज़ करना होता है। और ये विथ है और ये हाइट है। अगर हम ये चाहें हम ये खुद भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम 800 कर लेते हैं और इसकी हम 15 कर लेते हैं। तो इसकी विथ और हाइट हम अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जनरल हाइट नहीं होती। ये देखें इसकी विथ और हाइट में फ़र्क पड़ा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने अगर जनरल लेनी है तो हम क्या करेंगे, चूज़ साइज़ फ्रॉम लिस्ट, वहाँ पे जाएंगे और हमारे पास ये कुछ साइज़ शो हो रही हैं, जैसे FB न्यूज़फीड, व्हाट्सएप स्टेटस और ये कुछ और नीचे जो आते जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे। अभी हम यहाँ से लेने लगे हैं पिंटरेस्ट प्रोफाइल, ये कर लिया सेलेक्ट, सेव कर लिया। ये हमारे पास देखें इसकी विथ भी कम हो गई है और इसकी विथ स्ट्रेच हुआ है, विथ मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो फैल गई है और इसकी लंबाई जो है वो छोटी हो गई है। तो अब हमारे पास उस क्रॉप हो जाती है, हम इसे क्रॉप करने लगे हैं। मैं ये ब्लू वाला एरिया सारा रखने लगी हूँ, बाकी सारा क्रॉप कर देने लगी हूँ। तो इसे मैं क्रॉप कर लूँ। तो जैसे हम ये क्रॉप करेंगे, इसका ये फ़ायदा होता है कि हम कोई भी पिक्चर लेके उसको अपनी मर्जी का उसमें से कर सकते हैं और बाकी क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास आ गया है कि अगर आप ये हमारा जो है ना क्रॉप का साइज़ ये वाला आया है ना, तो अगर आप वो पूछते हैं आप पहले वाला साइज़ रखना चाह रहे हैं यही वाला रखना चाह रहे हैं, हम कीप होल्ड करेंगे। कीप होल्ड करेंगे तो हमारे पास पहले वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है BG ओवरले। BG शो करता है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड का ओवरले क्या होगा, बैकग्राउंड का ओवरले जैसे कि ये देखें कलर में जाके हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं येलो कर लेती हूँ। अब आप वाइट पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास डबल शेड कलर्स भी हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अच्छे से तफसील से बताऊंगी। या और इसके बाद हमारे पास डन कर देते हैं हम इसे येलो करके। यहाँ पे हमारे पास 100 में है, हम इसे पीछे ले जाते हैं। आप इस लाइन को भी आगे पीछे स्विप करके ला सकते हैं और ये प्लस माइनस का साइन प्रेस करके ला सकते हैं। ये मैं प्लस का साइन प्रेस करती जा रही हूँ, आप देखें जितना ये इंक्रीज़ होता जा रहा है उतना ही येलो कलर ऊपर उसके डाई होता जा रहा है सारी पिक्चर्स के। अब हम इसे डन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बैकग्राउंड फ़ोटो की तरफ ऐसे चलती हूँ। बैकग्राउंड फ़ोटो में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, गैलरी का, ऑनलाइन फ़ोटो का और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है बैकग्राउंड का। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देखेंगे। बैकग्राउंड में ये होता है कि हमारे पास जो बैकग्राउंड ये वाले हमारी जो ऐप का वरीन होता है ना, उस हिसाब से हमारे पास बैकग्राउंड्स होते हैं। इस ऐप के वरीन में ये 10 बैकग्राउंड्स हैं जिनमें से हम कोई भी इसमें से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लूज वाले पे क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरे पास ब्लूज वाला आ गया है, क्योंकि इस पर बीजी ओवरले लगा हुआ था, इसे मैं ख़त्म कर देती हूँ जी। तो ये मेरे पास ब्लूज वाला आ गया है।
तो अब हम बीजी फ़ोटो पे दोबारा जाते हैं और ऑनलाइन फ़ोटो में से कुछ पिक्चर्स लेते हैं, जैसे कि फ्लॉट की है तो सबसे पहले वाली ले लेते हैं, ये हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास एक और है कि हम अपनी गैलरी में से ले सकते हैं। गैलरी वाला मैं आपको पहले भी बता सक चुकी हूँ, इसलिए इसका नॉट अभी डील, ये वो आप कर सकते हैं गैलरी में से चूज। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर में ये होता है कि आपका सारे के सारे पे अभी पिक्चर्स लग रही थी ना बैकग्राउंड पे, तो इसमें सारे के सारे पे कलर बैकग्राउंड में लगा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये हल्का आसमानी कलर लगाने लगी हूँ, नीला कलर, तो ये आसमानी रंग मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। ये हमारे पास था आज का लेक्चर, और आपने भी यही काम करना है कि एक मुझे बैकग्राउंड कलर में फुल कलर में, जैसे ये एंड पे मैंने किया है, और एक मेरे पास जो है आपने बैकग्राउंड में से देना है, एक ऑनलाइन फ़ोटो में से और एक गैलरी में से। इस तरह से तीन फ़ोटोज़ में से आपने मुझे होमवर्क सेंड करना है। टोटल आपकी चार तस्वीर होंगी, एक गैलरी की, एक उसकी बैकग्राउंड की, और एक ऑनलाइन फ़ोटो की, और एक फुल बैकग्राउंड कलर की। ओके, और खुश रहे। तो प्यारी शहज़ादी, आज आपको जो होता है सेव का ऑप्शन नहीं मैसर आने वाला, क्योंकि हमने पिक्चर्स पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आपको एक और ऑप्शन साथ बताती चलूँ। चलिए अब ऐड पे आते हैं। ऐड पे जब आएंगे हमारे पास चार ऑप्शन शो होंगे, सिंबल का, शेप का, सिंबल का शो होगा, शेप का शो होगा, टेक्स्ट का शो होगा, और इमेज का शो होगा। तो आज हम सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट पे चलते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ही इनपुट टेक्स्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन होता है एक कॉपी, ये कॉपी सी भी नहीं होती है, ये कॉपी का ऑप्शन होता है कि आपने जो भी कॉपी किया होगा यहाँ पेस्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नंबर कॉपी किया हुआ है ऐड करने के लिए ग्रुप में स्टूडेंट्स को, तो वो मैं नंबर तो अब नहीं कर सकती, और मैं अपना क्लिप बोर्ड भी ऑन नहीं कर सकती, वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नंबर होंगे। तो मैं पहले यहाँ पर कुछ पेस्ट कर लेती हूँ, तो देन आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये पेज का ऑप्शन होता है, और ये जो पेंसिल होती है, पेंसिल में हमारे पास ये हमारे पास कॉमन चीज़ें पड़ी होती हैं जो हम रेगुलर इस्तेमाल में यूज़ करते हैं, ये जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें। और यहाँ पे अब हमारे पास इसे डन कर लें। अगर हम खुद से कुछ लिखना चाह रहे थे, हम नीचे से क्लिप बोर्ड आपको शो हो रहा था, आप वहाँ पर लिख के भी उसे ऐड कर सकती हैं। तो प्यार, तो जी आपने यहाँ पे क्या करना है, राइजिंग पल्स एकेडमी पोस्ट मेकिंग लेक्चर 1 लिखना है, और देन आपने इसे डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट टू गैलरी कर देंगी, और यहाँ पे आ जाएगा आपकी पिक्चर एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो जी यही था आपका वर्क, और आपने होमवर्क में ये सारी जो आपने बैकग्राउंड्स लगाने हैं वहाँ पे आप इसी तरह लिखेंगी, राइजिंग पल्स पोस्ट मेकिंग लेक्चर 1, तो हमारे पास राइजिंग पल्स एकेडमी कंप्लीट एकेडमी भी साथ लिखना है। तो ये हमारे पास आपने मुझे होमवर्क इनबॉक्स में सेंड कर देना है। जजाकल्ला।